देश के होम मिनिस्टर अमित शाह फाइनली पाकिस्तान से इंडिया जीत गई। जा रही जिमनी जिमनी जिमनी। ओ भाई चलो थैंक यू भाई। कौन जीतेगा आज? देखो 8 बार इंडिया जीती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं जीता। खारी मोहम्मद बाबिल बुखारी मोहम्मद। गाइस वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। करते नए दिन की शुरुआत। आज पता क्या है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आज, टुडे इज अ स्पेशल डे, ठीक है ना, क्योंकि आज घर पे बैठ के हम मैच देखने वाले हैं और वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान, वो भी अहमदाबाद में। हम अपने घर पे इस टीवी में देखने वाले हैं, ठीक है ना, इस टीवी में एंजॉय करेंगे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच। और कहीं भी नहीं हिलेंगे, घर पे बैठेंगे। डीमर भाई और आज कहीं घूमने जाते हैं, मगर कैसे जाएंगे, बाहर बारिश लगी हुई है। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ, बाहर का मौसम क्या हाल है कश्मीर में ना, ऐसी अभी से ठंड स्टार्ट हो गई है। आपको बाहर का मौसम ये देखिए, मौसम ना पूरा आसमान ना वाइट वाइट है, ना धूप है ना कुछ है। कश्मीर में ऐसा ही हाल होता है विंटर्स में, जब माइनस होते हैं ना तो ऐसी ही हालत होती है कुछ। फाइनली इंडिया पाकिस्तान का मैच लग गया, तो देखते हैं आज कौन जीतने वाली, कौन सी टीम जीतेगी। मुझे लगता है अपनी इंडिया जीतने वाली है। तो फिलहाल अभी ड्रीमर भाई ने भी कॉल किया था, कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो देखते हैं क्या सीन रहेगा, क्या होगा। तो फिलहाल अभी मैच चल रहा है मजेदार, मगर मेरे को अभी जाना पड़ेगा ड्रीमर के साथ। अभी तो मैच ऐसे चलने देते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या सीन होगा, क्या स्कोर होगा। मैं आपको ऐसे बताता रहूंगा, अपडेट पूरी देता रहूंगा क्या स्कोर क्या नहीं है। ओ भाई बॉल है, मोहम्मद सिराज बॉल है, ऐसे ही आउट करो पाकिस्तान टीम को, आउट करो। मैं आ रहे हैं 2011 2003 1996 1999 2015 2019 हार्दिक पांड्या। नीचे ड्रीमर भाई आया हुआ है और अभी पाकिस्तान की एक विकेट गिर गई, ठीक है ना, तो दिखाते थोड़ा आपको नजारा। और आउट अभी हाल ही के एशिया कप में क्या करते हैं ड्रीमर भाई के पास, दिखते क्या बोल रहा है वो, उनसे पूछते हैं इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगी, उनसे पूछते हैं एक बार। बिल्कुल पहले एक चीज बताओ, आज इंडिया जीतेगी कि पाकिस्तान जीतेगी? मैंने मैच ही नहीं देखा, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। हाँ देखता ही नहीं। क्या लगता है आपको कौन जीतेगी? आप देखते हो ना, क्या लगता है आपको? इंडिया। भाई पता क्या बोल रहे हैं, कल हमने इलेक्ट्रिक राइड नहीं कर पाई क्योंकि कल फ्राइडे था, तो कर इलेक्ट्रिक जो साइकिल था वो बंद था कल, तो शायद आज खुला होगा, वैसे खुला ही होगा शायद, नहीं आज खुला होगा, तो आज जाते हैं। आ जाए, आप ही बोल रहे हो तो चलो, मैं बोल रहा हूँ तो चलो, तो निकल 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 राजबाग, राजबाग के पास और चलना, यही मजा आया था। क्या बताए, यही मजा आया था राइड करने का। चलो रुको रुको, चलो चलो चलो। देखो कश्मीर का आज मौसम बदल गया है क्योंकि आज ना बहुत ठंड हो गई है, तो जैकेट पहनी है हमने, जैकेट तो पता नहीं अब बर्फ का पड़ जाएगी उसका कुछ पता नहीं, कश्मीर में उस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, बर्फ कभी भी पड़ सकती है। तो फाइनली ये देखो सिंपल साइकिल सही है जो रेंट पे मिलती है, तो अभी हमें जाना है इलेक्ट्रिक कर्व साइकिल जहाँ पर लगे हुए हैं, आगे लगे हुए राजबाग में, तो वहाँ से लेंगे। वो ये देखो जैकेट पहन, ठंड होगी ना बहुत, तभी जैकेट पहनी। ये लाइन में साइकिल लगा, लाइन में भैया भाई जान, हैशटैग कश्मीर है यहाँ पर, हैशटैग कश्मीर। और देखो गाड़ी कौन सी जा रही, जिमनी जिमनी जिमनी। भाई जान के पास हम तेल डालने आए, सो का भाई मेरे एक चीज बताओ भाई, आज किस किस का मैच है? आज किस किस का मैच है? तला किस किस का मैच है आज? आई गोरी बोलो कि आज मैच किस किस के, बोलना मेरी जान भाई ने, वो किस किस का मैच है, बोल। इंडिया पाकिस्तान। किसका? इंडिया पाकिस्तान। चलो थैंक यू भाई, कौन जीतेगा आज? इंडिया जीतेगा। भाई अभी पता है क्या सीन हुआ, जो पेट्रोल पंप वाला भैया था ना, उसको हमने बोल दिया 50 का तेल लाना, उसने डाल दिया 100 का। पता क्यों, आज किसी को ध्यान नहीं होगा काम की तरफ, क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तभी कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। अभी हम आ चुके हैं डल लेक में, डल लेक में कल हम आए थे, तो कल डल गेट में भी वो कल इलेक्ट्रिक साइकिल बंद था, तो यहाँ पर ड्रीमर भाई बोल रहे हैं यहाँ डबल साइकिल है, मुझे देखना है वो डबल साइकिल कैसा और कैसे चलाएंगे, दिखा तो दूं ना पहले, मेरे को देखना ना कैसा है वो। बस पहले अभी डल लेक के पास कर्व इलेक्ट्रिक साइकिल चलाने वाले ही है, तो उसके बाद पहले ड्रीमर भाई ने बोल दिया खाते हैं बेल पूरी। क्या खाने वाले? पूरी और बेल। पूरी और बेल, और अपने ये बन रही है भाई का वो साइकिल है। जिमर भाई कौन सा साइकिल लेने? कर्व इलेक्ट्रिक साइकिल। कहाँ पर है? वहाँ पर, हाँ ये रहा। अच्छा निकालो गल वाला, ये वाला साइकिल ले रहा हूँ, अपने पुराना वाला दिया। भैया और ड्रीमर गल बन गई, फाइनली अभी साइकिल हम चला रहे हैं, साइकिल में बहुत मजा आ रहा है चलाने का। तो ड्रीमर भाई को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ड्रीमर भाई वापस चले गया था, तो अभी हम जाएंगे निशात तक साइकिल राइड करते करते, बहुत मजा आने वाला है आज।
फुल पावर, मतलब पहली बार चला रहा हूँ डल गेट के रोड में कर्व साइकिल। ओ दिमर गल बन गई ओ तारे मेनू देख के गल्ला कर दे उंदे सी एकदम वाला था आज है ना। तीन बार गिरने वाले थे आप? तीन बार गिरने वाला था मैं, तीन बार। आपको व्यू दिखाता हूँ डल लेक का, नैरो पार पहुंचने वाले हम। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नैरो पार। ओ तारे मेनू देख गल्ला, ये हो गया छोटा सा स्मार्ट टीवी जो लगा है नेहरू पार्क चौक के पास, वो रहा नेहरू पार्क जो पार्क है ना वहां पर सामने। और दिखाते हैं आपको पता है क्या तगड़ा वाला व्यू, वो है व्यू पॉइंट ऑफ डल गेट, चेक इट आउट। सो गाइस चेक इट आउट, फाउंटेन चल रहा है फाउंटेन, तो टूरिस्ट का बहुत ज्यादा रश है यहाँ पर। ओ ड्रीमर चल आजा, रेस करेंगे रेस। और गिरेगा वो, और गिरेगा अब तुम नहीं करेगा जो गिराने का भाई। आजा आजा, ये चलाएंगे हम खुद को। ओ देखो ड्रीमर भाई खुद को भाग गया, कुछ तो प्रॉब्लम है तभी दे गया मेरे को ये। बड़ा तेज है, बहुत तेज है ये। गाइस चेक इट आउट, एक सीन बताऊंगा ड्रीमर भाई ने मेरे साथ क्या किया है। उसने जो मेरा साइकिल लिया एकदम ओके था ना, जो उसका साइकिल उसका टायर ऐसे ऐसे हिल रहा है, पता नहीं क्या साइकिल दिया है पहले, फिर आप मेरे को ये दे दिया, मेरे को टेंशन हो गई मैं कैसे चलाऊं इसको। पहले अभी डल के किनारे पे बैठे हुए ड्रीमर भाई बोलते हैं हम यहाँ संतूर होटल है यहाँ पर, तो यहीं तक जाएंगे क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी, वो घर में बैठ के वो भी इन्जॉय करना है। अगर ज़्यादा निशाद चले जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आने और जाने में, तो फिलहाल यहाँ से हम वापस जाएंगे कहीं बैठ के हम चाय पियेंगे, तो हमें साइकिल स्टैंड में वापस साइकिल देंगे। चक्कर है तूने अचानक से प्लान किया साइकिल चलाने का, मैंने भी पैसे साथ ही लाए थे, तूने भी नहीं लाए थे। हाँ। तो ज्यादा अगर पैसे लगे ना तो हमको साइकिल धोनी पड़ेगी वहाँ पर। वो है संतूर होटल, ये भी पहले कश्मीर का नंबर वन होटल था, तो जहाँ पर हमने साइकिल लिया था। तो हमारा पहला क्या प्लान था, पहला हमारा प्लान था निशाद में साइकिल रखना था ये वाला, वहाँ से दूसरा लेना था आते समय। अब यही साइकिल जहाँ से उठाया वहीं वापस करेंगे, तो चाय पी के सीधा घर निकल जाएंगे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने। चलो लेट्स गो। मतलब हम वापस ही निकल रहे हैं अपने घर के लिए, नहीं जहाँ से हमने साइकिल लिया है ना वहाँ पर हम वापस रख देंगे साइकिल, तो आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है तो वो भी इंजॉय करना है, ठीक है ना। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी इंजॉय करना है, तो चलते हैं जाते हैं और पीते हैं गर्मा गर्म चाय, फिर भाग जाते हैं अपने घर। अगर आप 10 मिनट तक साइकिल चलाओगे बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद आपको थोड़ा साइकिल ना बोरिंग लगने लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड एकदम स्लो है, मगर अच्छी चीज़ होने लगी। साइकिल से तो अच्छा ही है ना, साइकिल से स्लो करना अच्छा है, सबसे कहता हूँ साइकिल स्लो करना अच्छा है। स्कूटी बाइक से बेहतर पता है क्या, साइकिल और ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल है ना ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि ना पोल्यूशन होगा ना कुछ होगा ना कुछ भी नहीं होगा, सबसे बेस्ट यही है। और यहाँ से ड्रीमर भाई भी आते हुए पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। चुका है चनार का पेड़ और पत्तों के बीच में से जाएंगे हम, ये गए ये गए ये गए और ये 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 एक्सीडेंट हो गया। साइकिल यहाँ पर वापस रख लिया है, तो ड्रीमर भाई हेलो ड्रीमर भाई अपना साइकिल कहाँ रखा हुआ है? वहाँ पर रखा हुआ है। अब क्या पीने जा रहे हो? चाय। कौन सी वाली? कटिंग वाली लेफ्ट हैंड चाय पीने के लिए, जहाँ पर हमने कल पी थी ना, तो हम आज भी वहीं पीने वाले हैं चाय, क्योंकि वहाँ की चाय ना बहुत प्यारी बनाता है, हमको प्यारे हाथों से बनाता है। तो फिर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी इंजॉय करने का डेटा था ना वो आज खत्म हो गया, तो मैं मैच देख ही नहीं पा रहा हूँ किसी से ना। मैं स्कोर पता करता हूँ तो आपको थोड़ी अपडेट देता हूँ क्या है। आपको क्या एक्सपीरियंस था साइकिल चला के? मैंने बहुत बार चलाया साइकिल। मेरे साथ चलाया, कैसा एक्सपीरियंस था? अभी सबका चला, मेरे जो अपना साइकिल चलाया, अलग अलग चलाया, मतलब बहुत मजा आया। पता कुछ साइकिल इसलिए आया, इस साइकिल की खासियत, इस साइकिल की एक खासियत आप बार बार गिरे थे ना, मेरे को मजा आ रहा था एक्चुअली। बस अब मेरे को दिक्कत हो रही थी, मैं एक्चुअली चलाता हूँ सिंपल साइकिल, इलेक्ट्रिक कम चलाता हूँ, मेरे को भी वही हो रहा था, पैडल लगते थे उसके साथ ही, मेरे को भी होता था पहले। चलो कोई बात नहीं, अभी हम चाय पीते हैं। वीडियो में देखा होगा ये वाली शॉप, हम यहाँ पर डेली चाय पीने आते हैं, अगर किसी को यहाँ पर मिलना होगा यहाँ पर आ सकते हैं चाय वाली दुकान के पास, हम डेली आते हैं यहाँ पर चाय एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना, इन चाचा के पास। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, चेयर्स। ड्रीमर भाई चेयर्स करो, चेयर्स। आप पियो चाय, ठीक है ना। चेयर करने से टेस्ट बढ़ता है, टेस्ट करने से टेस्ट करने से चेयर करने से टेस्ट बढ़ता है और प्यार बढ़ता है।
और बढ़ाना चाहता हूँ। गिर जाएगी, भरेगा कुछ नहीं, पर्दे मारेगा ना, मैं देखूंगा तेरे को कितना प्यार बढ़ेगा। कर जो, कर जाए। चलो भाई घर चलते, मेरे को लेट हो गया, मैच भी देखना है। करते मैं चलता हूँ अब घर, ठीक है ना? मेरे को पहले बताओ कल के लिए तैयार हो? अगर मौसम ठीक हुआ तो जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे। चलो बाय बाय, ओके टाटा। बस फाइनली अब घर पहुंच गए हैं, साइकिल राइडिंग करके घर पे आए। यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच कैसे देखे, लाइट ही नहीं है, तो मैंने फोन पे स्कोर देखा 190 पे 9 आउट हो गया है पाकिस्तान के। भाई आप बताओ आज इंडिया पाकिस्तान का मैच, आज मैच कौन जीतेगा? सर वो तो हमारा इंडिया जीतेगा। पक्का? पक्का सर। 189 पे 9 आउट हो गया, आप क्या स्कोर बनेगा? यू आर लव इंडिया। थैंक यू सर। ओके, फाइनली पाकिस्तान ऑल आउट हो गई है 191 पे। अब इंडिया बैटिंग करने आएगी, अब तो पता है, अब सबको पता ही है इंडिया मैच जीत जाएगी, तो वो तो पता ही है सबको। अब वेट करते हैं जब तक इंडिया बैटिंग करने को आएगी ना, तब तक तो मैं चाय पी लेता हूँ एक और। एक कप तो हमने वहां पी लिया, एक कप घर पे भी पी लेते आपने। बस फाइनली इंडिया बैटिंग करने को आ गई है, देखते हैं कौन जीतेगा। तो जाते ऊपर, मगर लाइट ही नहीं है, फोन पे देखना पड़ेगा मैच। खाली आपको मैं अपडेट दे सकता हूँ, जब लाइट आ जाएगी तो आपको मैं थोड़ा बहुत शॉट भी दिखा दूंगा, ठीक है ना? मजा आने वाला है, आज इंडिया जीतने वाली है। तो बस फाइनली लाइट आ गई, अब देखते हैं मैच। और इंडिया के दो आउट भी हो गए, पहले शुभम गिल और विराट कोहली का एज लग गया। तो दिखाते हैं थोड़ा बहुत मैच में क्या चल रहा है अभी, अब देखते हैं कौन जीतेगा। अभी थोड़ा मैच थोड़ा टफ हो गया है। रोहित शर्मा ने ना हाफ सेंचुरी कर दी, हाफ सेंचुरी रोहित शर्मा ने कर दी। ओ भाई साहब, यहाँ पर सब छक्के मार रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी मार रहा है, रोहित शर्मा भी मार रहा है। यहाँ पर रोहित शर्मा आउट हो गए, लग गया तो देखिए वीडियो अरे टाइम मैच के साथ साथ मोमो भी खा रहे हैं और भाभी लेके आ गई मोमोज, तो आज मोमोज पार्टी भी करते हैं और मैच का भी एंजॉय करते हैं। मोमोज मैं भी खा रहा हूँ साथ में, मैच में एंजॉय कर रहे हैं। देखो मैच एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली इंडिया जीतने वाली है और 6 रन चाहिए जीतने को। देखो 8 बार इंडिया जीती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं जीता इंडिया से वर्ल्ड कप में, खाली वर्ल्ड कप के मैच में। अपने देश के होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनली पाकिस्तान से इंडिया जीत गई। यस, कम ऑन, 8 बार इंडिया पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में जीती हुई है। इंडिया पाकिस्तान का आज मैच था और इंडिया जीत गई, तो पाकिस्तान को 190 पे ऑल आउट कर दिया इंडिया ने। तो कम से कम 23 आवर में मैच खत्म कर दिया। तो आज हम इलेक्ट्रिक साइकिल भी चलाने के थे ड्रीमर भाई के साथ, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं को नई सी वीडियो में, तब तक टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। मिल पाएंगे क्या?